बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छात्र कुछ पढ़े नहीं होते हैं, एग्जाम से डरते रहते हैं। जो छात्र पढ़ने में कमज़ोर हैं या फिर जो स्टूडेंट्स टॉप कर चुके हैं या फिर टॉपर बन चुके हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं है और वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें ताकि हमारा पूरा का पूरा नंबर एग्ज़ाम में आ सके। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जिनकी ये प्रॉब्लम है कि हम कॉपी में कैसे लिखें, हेडिंग कैसे डालें ताकि हमारा अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो आज सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि आप अपने कॉपी को कैसे लिखेंगे, यानी कॉपी को कैसे लिखें और हेडिंग कैसे डालें ताकि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको पूरे के पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर दे सकें। ठीक है, अगर बनना चाहते हैं आप टॉपर स्टूडेंट, यानी कि अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो अगर लाना चाहते हैं 99% नंबर, तो मैं जैसे आपको ट्रिक बताऊं वैसे ही आप अगर राइट करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप पूरे के पूरे अपने एग्ज़ाम में नंबर ले आ पाएंगे। इससे आप केवल नंबर ही नहीं लाएंगे बल्कि अगर आपके लिखने का तरीका होगा अच्छा, अगर आपकी हेडिंग अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी लिखने का, हर चीज़ नियम से होगा, तो मैं 100% कह रही हूँ कि एग्जामिनर यानी टीचर खुश होके आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपके पास केवल 1 मंथ का समय है, यानी आपके पास केवल 1 महीने का टाइम है, क्योंकि आपको पता है आपका जो डेट है एग्ज़ाम का वो 15 फरवरी से वो तय हो चुका है कि 15 फरवरी को ही वही आपका फिक्स डेट है कि होना पक्का है, और जो 15 जनवरी है वहाँ से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। यानी आप मान के चलिए कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो इसी 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और ये फिक्स हो चुका है। मैं टाइम टेबल आपको दिखा भी चुकी हूँ, आप शायद आप मेरे अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के डेट आपको मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके भविष्य के लिए ही कह रही हूँ कि अगर आप अपना आपको अपना अगर भविष्य अब बनाना है तो बना लीजिए, या अगर पूरा ख़राब करना है तो इसी 15 दिन के अंदर आप ख़राब कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलने में लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो इन सब या फिर आप ठंडी से आलस के मारे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये सबको आपको दूर करना होगा। ठीक है, और आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आप अगर केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। केवल डिग्री नहीं लेना होता है, पढ़ाई करनी होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी टाइम बचे हैं आप उतना का उतना पूरा का पूरा माइंड लगाइए केवल वो केवल पढ़ाई करने के लिए। तो चलते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेन पॉइंट आपका क्या है। मेन पॉइंट है कि कॉपी कैसे लिखें और हेडिंग कैसे डालें। ठीक है, यही अक्सर करके होता है कि एग्जामिनर जब होते हैं ना, जब वो आपकी कॉपी लगते हैं चेक करने, तो आपके कॉपी में यही प्रॉब्लम निकलती है कि कभी आप ऐसा होता है कि हेडिंग नहीं डाले होते हैं, संख्या नहीं क्रमांक लिखे होते हैं और शुद्ध शुद्ध लिखने का तरीका नहीं पता होता, इसलिए आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। ओके, इसलिए आपको करना क्या है कि आपको पूरे के पूरे नंबर पाना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अनसॉल्व पेपर हैं जो कि हिंदी और 10th के हैं। ठीक है, क्लास 10th की है वो भी अनसॉल्व पेपर हिंदी से। मैं आपको कुछ ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक स्केच का यूज करना है जो कि ब्लैक हो, ओके, और एक ब्लू पेन का यूज करना है जो कि जेल पेन हो, और जेल पेन ही ब्लैक पेन यूज करना है जो कि आपके पास 3 होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट, स्केच होनी चाहिए, ब्लू और ब्लैक पेन होनी चाहिए। अगर आप रेड, ग्रीन, येलो या फिर किसी भी ऑरेंज किसी भी कलर से अगर आप राइट करेंगे तो एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर काट देंगे, क्योंकि रेड पेन ओनली टीचर और एग्जामिनर के ही होते हैं। इसलिए हमें ये सब पेन यूज़ नहीं करना है, हमेशा हमें ब्लू, ब्लैक और ब्लैक स्केच का ही यूज करना है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया कितना है, 1 + 4 + 1 एक दिया है 6 नंबर। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का होता है पद्यांश, जो है आपका 6 नंबर के पद्यांश आते हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आप करते क्या है कि डायरेक्ट राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट आपको स्टार्ट नहीं करना है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं बता रही हूँ। तो ये रहे क्वेश्चन आपके चौथा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है कि जैसे ही उनको कॉपी मिलती है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बस एकदम सिंपली सा करेंगे क्या, लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं, बस क्या करेंगे कि यहाँ पे डाल देंगे चौथा, चौथा ऐसे डाल दिए। डालने के बाद करेंगे क्या कि लिख देंगे सब तीर्थों, डैश डैश करके ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ना लाइनिंग देते हैं ना कुछ देते हैं, तो ऐसे करेंगे आप तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे फिर लिख देंगे व्याख्या, सिंपल सा लिख देंगे व्याख्या, काम हो गया। ठीक है, ऐसे करने से ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं राइट करना है। आपको मेन जो पॉइंट है वो आपको राइट कैसे करने, अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप स्केच का यूज करेंगे, स्केच से डबल लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, डबल लाइनिंग करने के बाद अब क्या करना है आपको, आपको लिखना है, स्केच का ही यूज करना है। प्रश्न नंबर, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये चौथा जो आपका है उसमें से आपको क करना है कि ख करना है। ठीक है, जो आपको आता हो वही आपको राइट करना है। प्रश्न नंबर ऐसे राइट कर लेंगे, प्रश्न नंबर 4 का क का उत्तर, चौथा का हमें क का करना है। ठीक है, ख का करना रहता तो ख डालते, लेकिन हम क का कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क का उत्तर लिखेंगे। अब इसके नीचे ब्लैक स्केच से ही डबल लाइनिंग देंगे, क्या करेंगे, डबल लाइनिंग को देंगे। देख सकते हैं आप, देखने में भी अच्छा लग रहा है और हमें ऐसे ही करना है ताकि स्पष्ट पता चले कि चौथा का क का ये आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, क क्या डालेंगे, क डाल देंगे, इसकी लाइनिंग के आगे क डालेंगे। और फिर यहाँ पे जो पद्यांश दिया है आपका, क्या जो पद्यांश दिया है, सब तीर्थों का एक तीर्थ है यह। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिए अगर यहाँ पे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें पद्यांश लिखना अति आवश्यक होता है। तो पद्यांश है हमारा ये, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से या फिर 2-3 लाइनें एक तक लिख देंगे और डैश डैश करके लिखेंगे एक चरित्र बना ले हम। ठीक है, जो स्टार्ट है और जो लास्ट है उसे डैश डैश करके हमें लिखना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पद्यांश पूरा हो गया, सब तीर्थों का डैश डैश चरित्र बना ले हम, सब तीर्थों का डैश डैश चरित्र बना ले हम, ये हमारा पूरा पद्यांश हो गया। अब ये आप इसके नीचे व्याख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग कैसे डालेंगे, मेन इम्पोर्टेंट क्या है, और इसमें क्या है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है तो संदर्भ भी डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने पद्यांश लिख दिया, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है तो यहाँ पे हम संदर्भ लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइनिंग है फ्रेंड्स, ये ऐसे हमें है, पहले तो हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालना है, प्रश्न नंबर 4 का क का उत्तर, और फिर जो लिखना रहे वो डालेंगे, क करना है कि ख, और फिर उसको प्रश्न डालेंगे, प्रश्न, ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है ये पद्यांश, फिर हमें संदर्भ, इसी में संदर्भ लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम संदर्भ। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें ब्लू पेन का यूज करना है, किसका, ब्लू पेन का यानी जेल पेन का यूज करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे संदर्भ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लाइनिंग पूरा का पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, तो यहाँ से हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें अपना नंबर लाना है, अपने कॉपी में पूरा का पूरा नंबर हमें प्राप्त करना है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से लिखेंगे, यानी प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक। अब देखिए यहाँ पे ये भर गया, ठीक है। और एक बात का ध्यान देना है कि बीच में एक एक पेन का गैपिंग रहे, ठीक है। एक एक पेन की गैपिंग होने से हमारी कॉपी भी जल्दी भरेगी और लिखने का तरीका भी अच्छा होगा और दिखने में भी शुद्ध लगेगा, ठीक। तो हमारी पाठ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि इसी के नीचे से स्टार्ट करें, ठीक है। जब ये लाइन भर जाएगी तो हमें ये यहाँ से लिखना है, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के। किसके? हिंदी के। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको केवल हेडिंग डालने के लिए बता रही थी और लिखने भी बता रही हूँ, तो ऐसे ही हमें करना है। देख लीजिए, आप ही देख सकते हैं कि आपको कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, लग रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को खुद ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कौन से नंबर का आंसर है, क्या लिखा गया है, कितने नंबर देना है, बस वो इतना देख के आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। अब आप अगर ऐसे जैसे मैं बता रही थी ऐसे ही अगर आप लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, जैसे कि एक मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नाभिकीय के नाभ नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये प्रश्न हुआ आपका, ठीक है, ये प्रश्न हुआ और ये उत्तर डाल दिए। उत्तर तो पता चल रहा है कौन से क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, कुछ नहीं ना पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो हमें क्या करना क्या है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत होगा, ऐसे हमें राइट नहीं करना है। हमें राइट करने का ये तरीका अपनाना होगा, ये सही है। हेडिंग भी अच्छी दिखती रहे, क्या लिखा है वो भी दिखता रहे और किस नंबर का कौन से संख्या का है वो भी दिखता रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी कॉपी में अगर ऐसे ही राइट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, अगर आप ऐसे राइट नहीं करेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें अगर अच्छे से लिखना हो राइटिंग बना के, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको ऐसे ही हेडिंग डाल के राइट करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।